दोस्तों, चलिए मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को नॉर्दर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट के बारे में बता दिया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। इसको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, इसको सेवन सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि इसको सेवन सिस्टर ही क्यों कहा जाता है, सेवन ब्रदर्स क्यों नहीं कहा जाता। तो देखिए, ये जितने भी स्टेट हैं ये पूर्ण रूप से इधर का कल्चर एक जैसा माना जाता है। इधर पूरा जंगली एरिया है और आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई फैमिली में सात बहने हैं तो उन लोगों का कल्चर बराबर से भी माना जाता है, और अगर भाई है तो कोई बहुत ही लफंगा टाइप का निकल जाता है, कोई पढ़ने लिखने वाला निकल जाता है, कोई अच्छा, कोई भोंदा इस टाइप का निकल जाता है। मगर जो सिस्टर्स बहने होती है उनका कल्चर एक जैसा देखा जाता है, इसीलिए इन राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज सेवन सिस्टर राज्य को याद करेंगे, फिर मैंने जैसे बताया आप लोगों को पूरा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन मैं याद करा दूंगा। देखिए, ये जो एक राज्य आप लोग देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश है। देखिए ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है ईटानगर। क्या होती है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, ईटानगर। उसके बाद देखिए ये नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या होती है, कोहिमा। नागालैंड के जस्ट नीचे आएंगे तो ये है मणिपुर, क्या है, मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल। ये राजधानी थोड़ा उटपटांग लग रहा है आप लोगों को, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा, मणिपुर है। ये देखिए फिर मिजोरम है, ये कौन सा स्टेट है, मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी होती है ऐजोल। क्या होती है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलिए ऐजोल। और ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। क्या होती है, अगरतला। और ये देखिए बड़ा सा जो दिख रहे हैं ये बड़ा, ये है आसाम, क्या है, आसाम, और आसाम की राजधानी होती है दिसपुर। आसाम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर। और ये एक बच गया, ये है मेघालय, मेघालय, और मेघालय की राजधानी आप लोगों को पता होगा, मेघालय की राजधानी होती है शिलोंग। क्या होती है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। चलिए ये देखिए मैंने पश्चिम बंगाल को बना दिया है, और ये एक राज्य आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा राज्य है, बताइए, ये सिक्किम है, ये क्या है, सिक्किम। एक चीज जान लीजिए, भारत के मात्र ऐसे दो राज्य हैं जो केवल भारत के एक ही राज्य से सीमा लगाते हैं, वो देखिए एक मेघालय है और एक सिक्किम है। ये पूर्ण रूप से जंगली एरिया है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा टेंगो चार्ली, अजय देवगन और बॉबी देओल का उसमें किरदार रहा है। वो देखिए टेंगो चार्ली फिल्म यही मणिपुर के जंगल पर बनाया गया है। ये बहुत ही जंगली एरिया माने जाते हैं। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं एक एक करके। देखिए सबसे ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इधर आ जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड पर मणिपुर। याद रखिए नाग के ऊपर मणिपुर मणि होता है, मगर आप लोगों को नीचे याद रखना है, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, तीन आप लोग बोलिए, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर। असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय। फिर बोलिए आप लोग, देखिए मैं एक ब्लैंक मैप दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख के रिकॉल कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो गया, ये नागालैंड मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर, असम मेघालय, असम मेघालय, असम मेघालय, और लास्ट में त्रिपुरा मिजोरम। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये बात ये स्टेट्स याद नहीं हुए हैं तो आप लोग फिर जाके घर में रिकॉल कीजिएगा और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।